एनएसएस के राष्ट्रीय शिविर में इस बार विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी के दो विद्यार्थी हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन दोनों विद्यार्थियों ने हाल ही में शिमला जिला के सुन्नी में हुए प्रदेश स्तरीय शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर इनका चयन राष्ट्रीय शिविर के लिए किया गया है। एनएसएस के राष्ट्रीय शिविर में इस बार विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी के दो विद्यार्थी हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन दोनों विद्यार्थियों ने हाल ही में शिमला जिला के सुन्नी में हुए प्रदेश स्तरीय शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर इनका चयन राष्ट्रीय शिविर के लिए किया गया है। स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने इन विद्यार्थियों को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है, साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना की है। मैं परशुराम सैनी, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी से बोल रहा हूँ। अभी हाल ही में पिछले सप्ताह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुन्नी हिमाचल प्रदेश में एनएसएस का स्टेट लेवल का मेगा कैंप आयोजित किया गया था डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा, जिसमें हमारे विद्यालय के दो छात्र, पहला नारायण, दूसरा नीलमणि, इन्होंने वहाँ पे भाग लिया। और मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि दोनों विद्यार्थियों का चयन नेशनल के लिए हो गया है। और ख़ासकर नारायण, ये बहुत ही होनहार स्वयंसेवी है और ये नेशनल के लिए पूरे स्टेट की परेड का प्रतिनिधित्व करेगा। पहले एनएसएस का 7 डे कैंप स्कूल में लगाया गया था, उसमें भी इनका प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा था। ये दोनों बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं और पहले भी ये इस प्रकार के कई गतिविधियों में हिस्सा ले चुके हैं और इन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है। अब आगामी समय में ये बच्चे पूरे प्रदेश को जो प्रतिनिधित्व देंगे, इसके लिए पूरे विद्यालय में एक हर्ष का माहौल है। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनके माँ बाप को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ासकर कार्यक्रम अधिकारी श्री कपिल शर्मा जी, जिनके अथक प्रयासों से इस विद्यालय ने इतनी बड़ी ऊंचाई को छुआ है। और इन बच्चों को मैं नेशनल के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और इस पर शुभकामना देता हूँ कि इनको हिम्मत दें और ये बच्चे मेहनत करें और नेशनल लेवल पर भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करें और इस विद्यालय के नाम को रोशन करें। राष्ट्रीय शिविर योजना के लिए चयन होने पर विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के ये दोनों छात्र काफी उत्साहित हैं और इनका दावा है कि ये कड़ी मेहनत करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और हम कुछ 13 से 17 तक कैंप थे हमारे सुन्नी में, और वहाँ पर हमने 13 से 17 तक कैंप लगाए। लगभग वहाँ पर बच्चे 1400 बच्चे आए थे और 700 गर्ल्स थे, 700 बॉयज थे। वहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और वहाँ पर हमें इतना उनमें से 100 बच्चों की सिलेक्शन हुई, 50 गर्ल्स 50 बॉयज, उनमें से बॉयज स्कूल के हम भी गए थे, दोनों की सिलेक्शन हुई